इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहली वीडियो में हम ऑलरेडी पार्ट्स एंड फंक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, और पार्ट्स एंड फंक्शन जो होता है क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसकी टू फॉर्म हमने ऑलरेडी इसमें भी लिखी है और इससे पहले एवेल्यूएट भी की थी। जेड की जो वैल्यू होती है पार्ट्स एंड फंक्शन की होती है ई की पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू ऑब्लिक नोमीटर में वन माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, तो या इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 की पावर माइनस 1, जहाँ बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के टी होती है और एच कट जो होता है वो होता है एच अपॉन 2 पाई एच, जहाँ प्लांक कांस्टेंट होता है और ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अपॉन एम होती है, यहाँ ओमेगा जो होता है वो होता है अंडर रूट के अपॉन एम के, जहाँ फोर्स कांस्टेंट कहलाता है एम मास ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, और बीटा जो होता है वो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट फंक्शन होता है, बीटा होता है वन अपॉन के टी, जहाँ के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट कहलाता है और टी टेम्परेचर। उसके बाद हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है हम इससे पहली वीडियो में इसका डेरिवेशन दे चुके हैं। एवरेज एनर्जी होती है माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग जेड, जहाँ बीटा वन अपॉन के टी है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जेड की जो वैल्यू है जो टू साइन हाइपरबोलिक में हमने की पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो एवरेज एनर्जी आती है माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग और जेड की वैल्यू ये आती है, और ये हमारी जो माइनस वन की पावर है इसे हम इधर ले आते हैं लॉग में, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और उसके बाद में इस लॉग का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले लॉग का आता है वन अपॉन में, और वन अपॉन में ये आएगा वन अपॉन टू कॉस हाइपरबोलिक टू साइन हाइपरबोलिक बीटा एच का ओमेगा बाई टू, और फिर उसके बाद में कॉस में आएगा तो वो कॉट में बन जाएगा, तो एवरेज एनर्जी आएगी एच क्रॉस ओमेगा बाई टू कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू। उसके बाद हम किसी समय पे जो स्पेसिफिक लेते हैं, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो होता है वो बेसिकली सॉलिड होता है, और सॉलिड में जो होता है वो सी पी और सी पी का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, क्योंकि सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो किसी सॉलिड स्टेट में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमें बराबर ही अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो अगर हम सी पी और सी वी का ऑर्डर देखें तो सेम होगा और वो होगा डिग्री अपॉन डिग्री। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी गैस का एक डिग्री टेम्परेचर या एक डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो उसका सी पी और सी वी कहलाता है। तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर का जो पालन होता है वो केवल और केवल गैसेज करती हैं, जो तुम्हारा सॉलिड है उसमें सी पी और सी वी का दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम से के कांस्टेंट रहने से जो दी गई अमाउंट ऑफ हीट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डीडी अपॉन डीटी में जो हमारे पास में एवरेज एनर्जी हमने कैलकुलेट की है उस एवरेज एनर्जी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो डेल ओवर डीटी और ई की वैल्यू होगी हमारे पास एच क्रॉस ओमेगा बाई टू कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे बीटा की वैल्यू को वन अपॉन के टी रख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एच क्रॉस ओमेगा बाई टू क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ये हमारा आगे आएगा इन फ्रंट, और क्योंकि इस पर डिफ्रेंशिएशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेल ओवर डेल टी कॉट हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। हमें पता है कॉट हाइपरबोलिक का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे इसे कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन टू के टी। उसके बाद जो ये टर्म्स होगी एच क्रॉस ओमेगा अपॉन टू के टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो देगा हमें माइनस एच क्रॉस ओमेगा अपॉन टू के टी स्क्वायर। तो जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकलेगा उसमें सी पी और सी वी का जो ऑर्डर है वो समान होगा, और जो वैल्यू होगी उसमें हम देख रहे हैं कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर पर निर्भर करेगी। तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में जनरली पूछा जाता है कि सी पी और सी वी जो किस टर्म के ऊपर निर्भर करती है, तो वहाँ हमें टिक करना होता है, मार्क करना होता है कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ये हमारे पास सी पी और सी वी का एक्सप्रेशन था इसके लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सी पी और सी वी कैलकुलेट करने के बाद में हम देखते हैं कि और अदर फिजिकल पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक फिजिकल पैरामीटर होता है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, जो जेड से डायरेक्ट कोरिलेट होता है और उसका रिलेशंस होता है एफ इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड, जहाँ एफ कहलाता है हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, और ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो है वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी कहलाता है। ये बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट के होता है, यहाँ टी टेम्परेचर और जेड यहाँ पार्टिसन फंक्शन होता है। इस जेड की वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन से हम पुट कर देते हैं, टू साइन हाइपरबोलिक बीटा क्रॉस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू की पावर माइनस वन, ये हम इधर पुट करेंगे और ये पावर माइनस वन इधर आ जाएगा, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एफ आएगा एफ इज इक्वल टू के टी लॉग टू साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई
टू, और बीटा यहाँ कहलाएगा वन अपॉन के टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन से हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का क्वांटम मैकेनिकल, और ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बेसिकली डायमेंशंस जो है वो एनर्जी की रखता है। और साथ साथ हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस समय पर हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, किसी समय पर अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लेते हैं तो एफ की जो वैल्यू है वो मिनिमम की तरफ अप्रोच करती है। उसके बाद हम प्रेशर, और प्रेशर की वैल्यू जो हमारे पास, हमने एक्सप्रेशन इससे पहले वीडियो में कैलकुलेट किया था, उसमें हमने दिखाया था कि प्रेशर माइनस डेल एफ अपॉन डेल भी होता है। ये हम ऑलरेडी इससे पहली वाली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। और क्योंकि एफ, अगर हम इस हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को देखें, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता हो, क्योंकि हम देख रहे हैं एफ स्ट्रॉन्गली जो डिपेंड कर रहा है वो किन पैरामीटरों पर डिपेंड कर रहा है, इट इज स्ट्रॉन्गली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर टी, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है और बीटा में भी वन अपॉन के टी आएगा, तो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट फंक्शन होता है एफ। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर निर्भर कर रहा है, इट इज द फंक्शन ऑफ टू फिजिकल पैरामीटर्स इन द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड टेम्परेचर कैपिटल टी। उसके बाद अगर हम देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो हम देख रहे हैं कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो वॉल्यूम पर डिपेंड हो। तो उसके बाद हम जब प्रेशर में देख रहे हैं कि प्रेशर किस पर निर्भर करता है, तो रेट ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है एफ का हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के हिसाब से। और क्योंकि एफ ही फंक्शन वॉल्यूम का नहीं है तो प्रेशर की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब है कि किसी समय पर क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिस समय मोशन कर रहा होता है वो कोई प्रेशर इम्पोज नहीं करता। उसके बाद हम केमिकल पोटेंशियल अगर हम सिंगल केस में निकालें हार्मोनिक ऑसिलेटर के में, तो हम देखेंगे कि एफ के अंदर कोई टर्म ऐसी नहीं है जो हमारा एन का फंक्शन हो। इसका मतलब यह है कि किसी सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर है उसका केमिकल पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एन, और एफ में क्योंकि एन कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा है तो वो एन के हिसाब से वैल्यू नहीं करेगा, तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो प्रेशर की वैल्यू और केमिकल पोटेंशियल की दोनों वैल्यू जीरो आती हैं इन द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन हमारे पास अगर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, तो हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किसी समय पर जब हम लेंगे तो पार्टीशन फंक्शन एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का इवेल्यूएट करेंगे, और बेसिकली ये जो पार्टीशन फंक्शन है मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अगर एक ही पार्टिकल वेरियस स्टेटों में जाता है तो उस समय पर ये जो ओबे करता है वो किसी समय पर एडिशन प्रॉपर्टी को ओबे करता है। लेकिन अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर दो तीन चार या उससे ज़्यादा हैं तो हम नेट पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस समय पे हम पार्टीशन फंक्शन के लिए सदा क्या करते हैं मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं तो हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे जेड की पावर एन लिखेंगे, और जेड जो पार्टीशन फंक्शन था वो सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का था, तो सिंगल का हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन था टू साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू की पावर माइनस वन। एन के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन, ये वैल्यू ये आएगी। उसके बाद हम किसी समय पर केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जाएंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एन में जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एन की, और एफ की वैल्यू को ये पुट कर देंगे यहाँ से बराबर माइनस के टी लॉग जेड में, तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी म्यू इज इक्वल टू के टी लॉग टू साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू। ये हमारा केमिकल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए। उसके बाद अगर हम किसी समय किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो किसी सिस्टम का मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर करता है, जैसे हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एंट्रोपी बेसिकली किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डिसऑर्डर रिप्रेजेंट करती है, उसे हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में अलग अलग दो तरीका से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इस एक्सप्रेशन से एफ बराबर यू माइनस टी एस, एफ हमें पता है माइनस के टी लॉग जेड होता है, यू माइनस टी एस, यू यहाँ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, एफ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, और एफ की वैल्यू को जैसे हम के टी लॉग जेड माइनस की वैल्यू पुट करते हैं एस आता के लॉग जेड प्लस एनर्जी अपॉन टी। उसके बाद हमारे पास जेड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा जेड था पार्टीशन फंक्शन, इधर ये वैल्यू है, इसको इधर पुट कर देते हैं। उसके बाद एनर्जी हम ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज द एनर्जी, तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है एंट्रोपी का। एंट्रोपी एस कैलकुलेट का एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है, एस को हम लिखते हैं माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, और एफ की वैल्यू को फिर माइनस के टी लॉग जेड कर देते हैं, तो वहाँ से भी हम एस निकाल लेते हैं। लेकिन अगर किसी समय हम किसी सिस्टम की एनर्जी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसके बाद में एस निकालने का ये बेटर मेथड है, क्योंकि वहाँ हमें एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ से इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो एवेल्यूएट कर रहे थे उसमें आप देख रहे हैं,
हम किसी समय पे एक बार हमें अगर पार्टीशन फंक्शन पता चले किसी सिस्टम का, तो हम बता रहे थे कि किसी समय पर अगर हमें पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पता चलती है तो हम एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो अगर जैक पता है तो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन ये करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने एक इवोल्यूट किया है, ये हमारे पास एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, दिस वन। उसके बाद अगर हमारे पास एवरेज एनर्जी हमें पता चल जाती है सॉलिड स्टेट में सबस्टेंस है, तो हम सीपीसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद में ये हमारे पास में सीपीसीवी का एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर हमारे पास जेड हमें पता है तो एफ हम पता कर लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ये हमारे पास में एफ का एक्सप्रेशन है क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेशर के लिए हम, अगर हमारे पास जेड हम इवोल्यूट कर चुके हैं, एफ इवोल्यूट कर चुके हैं, तो प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं। उसके बाद हमें प्रेशर यहाँ जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमें एफ पता है तो म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं तो म्यू की वैल्यू इवोल्यूट की है, एंट्रोपी एस कैलकुलेट की है। तो हमारे पास अगर एक बार हमें किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन अगर हम एक बार कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद में हम बहुत सारे इवोल्यूशंस, बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसी में हम देख रहे हैं एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, सीपी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीपी और सीबी की वैल्यू। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके बाद एफ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन